नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है। फिर से दोबारा हमारे साउथ एशिया रीजन की जो स्टेबिलिटी है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ, यहां पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके ऊपर उनकी जो पुलिस फोर्सेज है उनके ऊपर अटैक हुआ है। और ये अटैक किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। आखिर ये क्या अटैक है, पूरा क्या मामला है, यहां पर देखते हैं। दरअसल आप जानते हैं पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है, देखेंगे अभी मैप पर, वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी ऑपरेट करती है, जो कि यहां की फ्रीडम स्ट्रगल, बलोचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करने की स्ट्रगल कर रही है, मूवमेंट चला रही है और इंसर्जेंट ग्रुप की तरह ऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान में कई बार इनके द्वारा अटैक किया जाता है। और इस बार जो अटैक हुआ है वो माख नाम की सिटी में हुआ है, ठीक है, माच या फिर आप इसे माख कहें। और ये आपको पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है उसके क्वेटा रीजन के अंदर आपको ये सिटी मिलती है, ये शहर मिलता है। और यहां पर पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। इस ऑपरेशन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने नाम दिया है ऑपरेशन दारा ए बोलन, ठीक है, दारा ए बोलन यहां पर इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है। तो पूछ लेंगे पेपर में, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि एक लोकेशन का नाम दिया गया है, माख नाम की सिटी कहां पर है या माच नाम की सिटी कहां पर है। उसके अलावा ऑपरेशन दारा ए बोलन पूछ लेगा वॉज रिसेंटली इन न्यूज, बताइए किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड स्पेसिफिक, टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछ लेता है, करंट अफेयर से कई बार ऐसी जगह से उठाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर कहता है कि आखिर यहां पर पाकिस्तान ने भी फिर रिटेलिएट किया और यहां पर पांच बलूचिस्तान जो आर्मी है उनके भी यहां पर मिलिटेंट्स मारे गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्सेज हैं यहां भी इनके ऑफिसर्स मारे गए हैं। टोटल अभी तक 15 के आसपास लोग इसमें मारे जा चुके हैं। अब कहता है कि आखिर इस पूरे अटैक का कारण क्या था। कारण एक जो सब लोग जानते हैं कि भाई बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में इंसर्जेंट ग्रुप की तरह ऑपरेट करता है और पाकिस्तान से आजादी की डिमांड कर रहा है, उसकी मूवमेंट यहां पर चला रहा है, बलोचिस्तान की लिबरेशन की मूवमेंट, नाम से ही पता है बलोच लिबरेशन आर्मी। लेकिन रिसेंटली जो ये बिल्कुल इमीडिएट कारण है, अभी फिलहाल क्या कारण है जो अटैक यहां पर होता है, दरअसल आप जानते हैं बीते कुछ दिनों में यहां पर ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में, और फिर बाद में पाकिस्तान ने इसके बदले में ईरान का जो बलोचिस्तान का रीजन है उस पर अटैक किया था। अगर आप देखें बलोचिस्तान को, पहली बात आपको पता होना चाहिए बलोचिस्तान आखिर ये जो रीजन है ये कहां मिलता है। तो बलोचिस्तान का रीजन आपको यहां पर देखने को मिलता है, ये बलोचिस्तान का रीजन है, ये आपको पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा जो है वो बलोचिस्तान के अंडर आता है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोविंस है बलोचिस्तान, तो बलोचिस्तान पाकिस्तान के रीजन में भी आपको मिलता है। उसके अलावा ईरान के भी बहुत बड़े क्षेत्र में आपको यहां पर बलोचिस्तान मिलता है। ईरान के इस क्षेत्र को कहा जाता है सिस्तान बलोचिस्तान, ठीक है, सिस्तान बलोचिस्तान, और पाकिस्तान में बलोचिस्तान। तो हुआ यह था कि ईरान ने पाकिस्तान के कुछ एरिया में यहां पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बदले में पाकिस्तान ने इस बलोचिस्तान के रीजन में, ईरान के बलोचिस्तान रीजन में जो बलोच आर्मी है, जो बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके अड्डों पर, उनके जो कैंप्स हैं उन पर अटैक किए थे। तो इस चीज को लेकर बलोच जो आर्मी है ये खफा थी और इन्होंने यहां पर कहा कि हम यहां पर वॉर छेड़ते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान में हमारे जो कैंप्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उनके ऊपर अटैक किया है, ठीक है। तो ये जो रिसेंट अटैक है ये बदला लिया गया है उस अटैक का जो पाकिस्तान ने हाल ही में अभी जनवरी के अंदर अटैक्स किए थे ईरान की सिस्तान बलोचिस्तान में जो मिलिट्री कैंप्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं बलोच आर्मी के, उनके ऊपर जो अटैक किया था ईरान में, उन्होंने फिर बदला यहां पर लिया है और पाकिस्तान के अंदर इस समय ये अटैक की ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और बलोच लिबरेशन आर्मी जो है समय समय पर अटैक करती रही है पाकिस्तान के अंदर, और इनका हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान आर्मी से या पुलिस से चलता रहता है। जैसे अगर यहां पर देखें, यहां पर फिलहाल कुछ अभी कुछ हमने 2022 की न्यूज है जो कि कहती है कि चाइनीज जो नेशनल्स थे इनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। दरअसल आप जानते हैं पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है यहीं पर आपको ग्वादर पोर्ट मिलता है, और ग्वादर पोर्ट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सीपैक का, यानी कि सीपीसी, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ग्वादर है, जो कि एक पोर्ट चाइनीज पोर्ट है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है इस पूरे रीजन के अंदर बलोचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, बलोचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, और सिर्फ एक्सप्लॉइट ही नहीं करता बल्कि यहां पर भारी मात्रा में अत्याचार होता है बलोचिस्तान के जो नेशनल्स हैं, बलोचिस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार होता है।
हर साल कई सैकड़ों लोग यहां से गायब हो जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को दबाया जाता है, पॉलिटिकल वायलेंस यहां पर किया जाता है। जैसे यहां पर अगर बात करें 2011 से बताया गया है कम से कम 3000 लोग के आसपास, 2700 के आसपास लोग गायब हैं इलीगल तरीके से। ये तो वो लोग हैं जिनका ऑफिशियल आंकड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गायब हैं जिनका रिपोर्ट कुछ भी दर्ज यहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं बलोचिस्तान रीजन के उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और बलोचिस्तान जो है वो एक ऐसा अंडर डेवलप्ड एरिया है, पिछड़ा हुआ एरिया है जहां के लोगों को उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बाकी जो रीजन है पाकिस्तान के उनमें प्रॉस्पेरिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी दिखती है, तो इसीलिए चाइना के ऊपर, चाइना के जो वहां पर इंजीनियर्स थे, ठीक है, चाइना के जो आर्मी के जवान जो सिक्योरिटी में वहां खड़े होते हैं अपने एसेट्स के, उनके ऊपर यहां पर अटैक किए गए। तो आप देख सकते हैं यहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर पोर्ट पर जो चाइनीज इंजीनियर थे उन पे भी अटैक किए। ठीक है, तो ये एक लार्जर मूवमेंट का हिस्सा है पूरा, लेकिन फिलहाल जो क्या कारण था वो हमने यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बलोचिस्तान के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, और इस चीज को लेकर भी खफा थे बलोचिस्तान के लोग कि भाई उनके रीजन से इस तरह से आपको समस्या देखने को मिलती है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके अलावा अर्लियर अटैक्स भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर उनके उनकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं समय समय पर। आप देख सकते हैं कई फोटोज जिनमें जो लोग मिसिंग है, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनको पुलिस ने एक बार पूछताछ के लिए घर से अगर उठाया उसके बाद वो लोग वापस नहीं आए, सालों साल हो गए, कुछ इन लोगों का नहीं पता चलता, ऐसे लोगों की फोटो आप लेकर देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, जेनोसाइड जैसा वहां पर माहौल चल रहा है कई सालों से, और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से आजाद होने के लिए बलोचिस्तान के लोग यहां पर लड़ रहे हैं। हाल ही में यहां पर बलोचिस्तान की जो पीएम इन एग्जाइल है, एग्जाइल है पाकिस्तान, बलोचिस्तान की जो एग्जाइल में चल रही है प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा यहां पर अपील की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यूएन में कि भाई पाकिस्तान की फ्रीडम को, बलोचिस्तान की जो फ्रीडम है पाकिस्तान से उसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो यहां पर पीएम मोदी से अपील की गई है ऑफिशियली हाल ही में, जो वहां की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाने वाली प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा। उसके अलावा क्या भारत का स्टैंड है, तो भारत जो है अभी तक बलोचिस्तान के मुद्दे को ज्यादा इतना उठाता नहीं है, लेकिन 2016 की जो इंडिपेंडेंस स्पीच थी, 2016 की यहां पर आपको प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से जब भाषण दिया गया स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, तब यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया था बलोचिस्तान के लोगों की मूवमेंट का, बलोचिस्तान के इंसर्जेंसी का, और कहा था कि बलोचिस्तान में और गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, और ये अपील करते हैं इंडिया से कि इंडिया कुछ यहां पर मदद करे। तो ये रेफरेंस देना अपनी स्पीच में, ये भी एक बहुत बड़ा मूव था, जो कि पहले कभी भारत ने इस तरह से रेकग्नाइज नहीं किया था कि गिलगित बाल्टिस्तान और बलोचिस्तान के जो लोग हैं इन पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहां पर कई बार अपील की जाती है कि भारत के अंदर कई जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स है, वो अपील करते हैं कि भाई भारत की जो सरकार है वो बलोचिस्तान के मामले में थोड़ा एक्टिव होकर इंटरफेयर करे, ताकि क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटरनेशनलाइज उसको किए हुए है और उसको आधार बनाकर भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करता है। तो भारत को भी यहां पर कहा जाता है कई बार कि बलोचिस्तान की लिबरेशन को एटलीस्ट आप सपोर्ट करें ऑफिशियली, ताकि पाकिस्तान पर भी थोड़ा दबाव बने और वो कश्मीर के मामले में इतना ज्यादा इंटरफेयर ना करें। दोस्तों, अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए एक स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, अदर एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा महत्व अब हो चुका है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है तो आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 50% ऑफ इस पर अभी चल रहा है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज आपको यहां पर कराई जाएंगी, और ये सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, अदर एग्जाम्स में भी आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा, और यूपीएससी में एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने में तो आपको हेल्प करेगा ही। मेरे साथ आप यहां पर छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, हिस्ट्री की, छठी से बारहवीं तक की, ठीक है, और बाकी टीचर्स भी आपको यहां पर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सारी एनसीईआरटीज करवाते हैं। अगर आपको ये कोर्स चाहिए 50% डिस्काउंट पर, तो आपको कोड लगाना होगा SMK Live, ठीक है, SMK Live अगर आप कोड लगाते हैं तो ये आपको कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ा जाएंगी। कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स जो कि आपको काफी महंगा पड़ता है वो लेने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ अगर आप बेसिक्स लेना चाहते हैं तो सेपरेट ये कोर्स इसीलिए आपके लिए खासतौर पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको यहां पर
कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करनी है तो अनअकैडमी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में कई सारे बेनिफिट देता है, जैसे आपको जीएस के प्रीलिम्स के कोर्सेज आपको यहां पर उनका एक्सेस मिलेगा, प्रीलिम्स का अगर क्रैश कोर्स जब आएगा तो उसका एक्सेस आपको मिलता है, खासतौर पर सीसैट का कोर्स आपको अलग से नहीं लेना पड़ता है और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलता है। साथ में 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है 2025, 26 और 27 के फाउंडेशनल कोर्सेज पर, बेसिक से जीरो से तैयारी अगर आपको करनी है, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है यहां पर। अगर आप बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हैं तो कोड लगाना होगा SMK लाइव, अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसमें कोर्स आपको 50% सस्ता पड़ेगा, साथ ही में आपको यहां पर कोर्स 6 महीने एक्स्ट्रा उसकी वैलिडिटी रहेगी, 6 महीने एक्स्ट्रा और कोर्स अब यहां पर चलेगा। अगर यहां पर बात करें 2025 के लिए एक स्पेशल कोर्स यहां पर लॉन्च किया गया है जो कि बेसिक से फाउंडेशन से तैयारी कराएगा। इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि बहुत सारे दोस्तों की कंप्लेंट रहती है कि भाई हिंदी में समझ नहीं आता, बायलिंगुअल में समझ नहीं आता, कंटेंट भले ही इंग्लिश में हो लेकिन बोलते जब है टीचर्स हिंदी में बोलते हैं वो बायलिंगुअल कोर्सेज होते हैं। तो कई सारे हमारे दोस्त हैं जो कि इंडिया के सदर्न पार्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आते हैं, तो उनको चाहिए कि इंग्लिश में यहां पर कंप्लीट कोर्स हो, तो उसके लिए यहां पर सरमद मेहराज सर और बाकी इंपॉर्टेंट जो एजुकेटर्स हैं उनकी गाइडेंस में आपके लिए यहां पर 2025 का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। यह कंप्लीट इंग्लिश कोर्स होगा जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो टीचर लेक्चर्स देंगे वो तक इंग्लिश में होंगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं दिस इज इन हिंदी, ठीक है। अब जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे दे विल टॉक यू इन इंग्लिश, दे विल टीच यू इन इंग्लिश, और यहां पर कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, सब कुछ यहां पर इंग्लिश में होगा, वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिलेगी, सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, बस आपको कोर्स पर कोड लगाना होगा SMK लाइव जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे, ठीक है, तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो आजकल रहती है यूपीएससी में प्रिपरेशन में कि ऑप्शनल अभी तक डिसाइड नहीं किया है, प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, तो ऑप्शनल डिसाइड करना एक क्रूशियल स्टेज है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। उसमें यहां पर आपके लिए आपकी समस्या को आसान करने के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन से कई सारे ऑप्शनल्स का आपको एक्सेस दिया गया है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से कई सारे ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड के, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव कोड लगाते ही आपको यहां पर ये सभी कोर्सेज पे एक्सेस मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर, ठीक है। तो दोस्तों ये तो पूरा मामला, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जय हिंद दोस्तों।